अरे एटीट्यूड भाई, आज फिर से यूएमपी की हेडशॉट ट्रिक। अरे हाँ, वो सब्सक्राइबर ने कल के वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट किया था, तो सोचा कि चलो वीडियो ला ही देते हैं। सब्सक्राइबर्स ने या फिर उस लड़की ने? क्या मतलब? मैंने तो कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में बस एक ही यूएमपी हेडशॉट ट्रिक की कमेंट देखी थी, वो भी उस लड़की की। बाकी ने तो बेस्ट फायर बटन साइज की वीडियो के लिए कहा था, लेकिन वो वीडियो तो नहीं आई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे वैसी बात नहीं है, सब्सक्राइबर्स तो सब्सक्राइबर्स होते हैं। सब्सक्राइबर्स के लिए दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार है। तो राम निकला। हाँ, लेकिन ज्यादा तो उसी लड़की के लिए है ना। अगर नहीं होता तो मोबाइल नंबर उसे क्यों दे देते? अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या? क्योंकि अरे आगे भी तो बोलो। वो क्योंकि बात ऐसी थी। अब बताएगा या फिर पिछवाड़े पर एक लात मारूं? क्योंकि वो लड़की का अकाउंट तो मेरा ही था। मैंने फालतू के तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज किया। चल जल्दी से निकाल मेरे 1000 रुपये। अगर वो तुम्हें लेना है तो मुझे मार कर ही लेना होगा। अरे नहीं भाई, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अफसोस, मुकेश बच नहीं सका। चलो फाइनली मेरे 1000 रुपये मिल गए। क्या आप भी फ्री फायर ना होने की वजह से परेशान हो? तो आओ एक मस्त सी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी भारी भरकम ऐप डाउनलोड नहीं करना है। सिंपल गूगल पर सर्च करो www.skillclass.com। साइन अप करते समय नोटिफिकेशन को अनेबल कर देना लेटेस्ट ऑफर्स और टूर्नामेंट्स की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। यहाँ पर आप कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और फ्री फायर में टॉप अप करने के लिए ये वेबसाइट बेस्ट है, क्योंकि आप जीते हुए पैसे फटाफट ट्रांसफर कर सकते हो UPI और अमेजोन पे से। यहाँ तक कि अपने BF या GF का रिचार्ज भी करा सकते हो। सबसे यूनिक बात तो ये है कि यहाँ पर हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं। अभी स्किल क्लास पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स। तो दोस्तों वेट किसका कर रहे हो? तुरंत स्किल क्लास पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रेफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट्स खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में लैपटॉप, मोबाइल, ईयरफोन जैसे प्राइजेस भी जीतने का मौका पाओ, है ना कमाल की बात? तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। एनीवेज गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SMG गन्स यानी कि UMP MP40 जैसे गन्स के लिए व्हाइट एम बेस्ट है या फिर रेड है। अब ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता, सिंपली मुझे जाना होगा ट्रेनिंग ग्राउंड पर। एंड तुम्हें भी ऐसा ही करना है, सिंपली तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर सबसे पहला गन लेना UMP एंड दूसरा गन लेना MP40। एंड सिंपली सबसे पहले तुम्हें रेड एम से फायरिंग करके 3 किल्स करने, मतलब कि तुम्हारा जो एम होगा वो बंदे के बॉडी पार्ट्स पर होगा, देन इसके बाद ही तुम लोग ड्रैग करो। जब मैंने किया तो रेड एम से मेरे 3 में से 3 हेडशॉट्स लगे। एंड अब मैं व्हाइट एम करके 3 किल्स करूंगा। जब मैंने फर्स्ट किल करने की कोशिश की तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरे साथ क्या। देन इसके बाद मैं दूसरा किल करता हूँ एंड फाइनली तीसरा किल करता हूँ व्हाइट एम से, एंड यहाँ इसका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से निकलता है। एंड इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेड एम ही बेस्ट होता है किसी भी SMG गन्स के लिए। सबसे पहले तुम्हें अपने सेटिंग पर जाना है, देन इसके बाद तुम्हें अपने कस्टम HUD पर जाना है। एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि देखो यहाँ जो तुम्हारा कर्सर बटन, इस कर्सर बटन की साइज को तुम्हें मिनिमम कर लेना यानी कि सबसे छोटा। एंड साथ ही अपने फायर बटन की साइज को 55% या फिर 50% पर रखना। देन यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो तुम्हें क्या करना है कि अपने कर्सर बटन एंड अपने फायर बटन को एक सीधे पर रखना है, मतलब कि कुछ इस तरह से जैसा कि मैं रख रहा हूँ। अब इससे क्या होगा वो समझ, जब भी एनिमी लेफ्ट टू राइट के साइड पर रन कर रहे हो देन तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपने कर्सर बटन एंड अपने फायर बटन को एक साथ पर ड्रैग करना है बंदे के साइड, मतलब कि बंदे जिस भी साइड पर रन कर रहे हैं उसी साइड पर तुम्हें कर्सर बटन और अपने फायर बटन को एक साथ ड्रैग करना है। एंड सच बताऊं तो इससे इतना ज्यादा स्मूथली हेडशॉट्स लगेंगे जिस पर तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा। चुप कर बे कुत्ते। SMG गन्स पर हमें रोटेशन ड्रैग का यूज करना चाहिए या फिर स्ट्रेट ड्रैग का? अब इसको तुम लोग प्रूफ के साथ समझो। जब हम लोग अपने फायर बटन को रोटेट करके ड्रैग करते हैं देन तुम लोग देख सकते हो कि बंदे को हेडशॉट्स लग रहे हैं। मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 किल्स किए एंड तीनों किल्स हमारे हेडशॉट्स ही लगे। लेकिन जब मैंने अपने फायर बटन को स्ट्रेट ड्रैग किया बंदे पर तो भी देख पाओगे कि मेरा हेडशॉट्स ही लग रहा है। इस पर भी मैंने 2-3 किल्स किए एंड तीनों किल्स हमारे हेडशॉट्स ही लगे। अब तुम्हें कंफ्यूजन भी होगी कि अरे एटीट्यूड भाई, अगर दोनों पर सेम हेडशॉट्स लगते हैं तो मुझे किसका यूज करना चाहिए? तो देखो बेसिकली इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। अब देखो यहाँ पर एनिमी मेरे राइट साइड पर है एंड यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट ड्रैग करता हूँ, मतलब कि फायर बटन को सीधा ड्रैग करूँ, तो फिर बंदे को हेडशॉट्स नहीं लगे क्योंकि एनिमी हमारे राइट साइड पर है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, दौड़कर बंदे के सीधे पर आ जाता। अब देखो बंदा जहाँ पर था वहीं पर है, लेकिन मैंने अपना पोजीशन बदल दिया। लेकिन अब अगर मैं अपने फायर बटन को स्ट्रेट ड्रैग करूंगा तो सेम सिचुएशन होने पर भी बंदे को हेडशॉट्स लगेंगे। तू समझा? हाँ। तुम्हें यहाँ पर बस ध्यान ये रखना कि तुम्हारा जो एम होगा वो बंदे के आसपास कहीं पर होना चाहिए, खास करके बंदे के चेस्ट से भी ऊपर।
अरे एटीट्यूड भाई, अपडेट से पहले तो मेरे यूएमपी से ओनली रेड नंबर्स लगते थे, लेकिन अपडेट के बाद हमारे हेडशॉट्स कम और बॉडी शॉट ज्यादा लगने लगे। देखो इसका एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि न्यू अपडेट पे यूएमपी गन में काफी सारे चेंजेस हुए, क्योंकि अपडेट से पहले डैमेज 50 का, रेट ऑफ फायर 74, एक्यूरेसी 43% एंड रेंज 37%, लेकिन अपडेट के बाद डैमेज 49, रेट ऑफ फायर 75, एक्यूरेसी 36% एंड रेंज 36%। लेकिन इन चीजों को तुम लोग मेंटेन कर सकते हो अपने गन स्किन्स को चेंज कर, या तो तुम लोग वैसे गन स्किन्स का यूज करो जिसमें रेट ऑफ फायर डबल, या फिर डबल एक्यूरेसी वाली गन स्किन्स का यूज करो। और हाँ, याद से तुम लोग अपने कैरेक्टर स्किल में DB कैरेक्टर का यूज कर लेना। और हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तुम लोग जितना ज्यादा हो सके फाइट को मिड रेंज पर लेना, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा एंड बंदे का रेंज ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारी एक्यूरेसी भी कम होती जाती है, एंड मिड रेंज ही ऐसा रेंज है जिस पर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मेंटेन होती है, एंड जिस कारण से तुम्हारे हेडशॉट्स भी काफी ज्यादा लगते हैं। Thanks! अगर बात करें बेस्ट SMG गन्स, मतलब कि इतने सारे SMG गन्स में से किस गन से सबसे ज्यादा हेडशॉट्स लगते हैं, तो इतने सारे गन्स में से तुम लोग सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो या तो MP40 गन का या फिर UMP गन, क्योंकि बाकी गन्स के मुकाबले इन्हीं गन्स में सबसे ज्यादा हेडशॉट्स लगते हैं। और ऐसे भी अपडेट आने के बाद हमारे MP40 गन को काफी ज्यादा अच्छा कर दिया गया। और जिनको नहीं पता उनको भी बता दूं, मेरे चैनल पर अभी शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उन सभी शॉर्ट्स को भी तुम लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। अभी मैंने अपने दोस्त के साथ रमी खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ जल्दी से साइन अप करो। और हाँ, याद से नोटिफिकेशन को अनेबल कर देना। अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।